Sir, every fluctuation. What does the graph say? Stocks are going up and stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 6 सितंबर 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:23 हो रहे हैं। जैसे कि आज फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। तो आज क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 5 सितंबर आफ्टर मार्केट आर, ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,886 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,816। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। जैसे ही निफ्टी ने हमारा ब्रेक आउट लेवल जो था इसको जैसे ही ब्रेक किया, तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 10,911 ये अचीव्ड हुआ और इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस करके टुवर्ड साउथ की तरफ मूव किया। हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल था ये ब्रेक नहीं हुआ, एग्जैक्ट इसी के पास इसने सपोर्ट का टेस्ट किया और इसी के पास ये कंसोलिडेट हुआ। तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक ऑफर है अपस्टॉक्स के बारे में, जो कि डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है इंडिया में। ट्रेडिंग फैब भी इसका ऑथराइज पार्टनर है। अगर आप अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपन करते हैं तो ट्रेडिंग फैब के जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में लाइफ टाइम के लिए मिल सकती है। अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। और जैसे कि अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ आपका यहाँ पर ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल डालना है और साइन अप करना है, तो आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और एक ऑफर है, अगर कोई ट्रेडिंग फैब के अंडर अकाउंट ओपन करता है तो फैब 200 ये प्रोमो कोड आपको यूज करना है, ताकि फर्स्ट 200 रुपीज का ब्रोकरेज आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल सकता है। तो अकाउंट ओपनिंग फ्री है और फैब 200 ये प्रोमो कोड यूज करेंगे तो 200 रुपीज का इनिशियल ब्रोकरेज आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाएगा। तो ये एक अपस्टॉक्स की तरफ से ऑफर चल रहा है। चलते हैं ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, नासडैक फिर से हरे निशान में बंद हुए, जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। हांगकांग और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा था वहां पर वो कम हो गया। चाइना ने जो बिल लाया था हांगकांग के लिए वो फिर से वापस ले लिया। और यूरोपियन बाजार देखे तो लंदन मार्केट में थोड़ी सी परेशानी थी, वहां पर ब्रेक्जिट का इशू चल रहा है। जर्मन मार्केट और फ्रांस मार्केट हरे निशान में बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट भी ओपन हो चुके हैं तो चाइना मार्केट, जापानीज मार्केट और हांगकांग मार्केट पॉजिटिवनेस के साथ अभी इस समय ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो 70 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 36 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो अभी भी फिलहाल पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी का आने वाले वीक में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं ये देखें। ये निफ्टी बैंक का मंथली चार्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्लियरली हमें यहाँ पर RSI का निगेटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। यानी क्या, यहाँ पर प्राइस एक्शन में तो यहाँ पर हायर हाइज बन रहे लेकिन RSI में यहाँ पर लोअर हाइज बना हुआ है। ये क्लियर कट निगेटिव डाइवर्जेंस है, इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 मंथ से यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक फॉल देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले 2 सितंबर को न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट PSU बैंक का मर्जर कर रहा है। मर्जर कर रहा है यानी क्या, ये तो इसमें से क्या फायदा होगा क्या नुकसान ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो NPA का फिगर है वो एवरेज हो जाएगा। यानी क्या, सिंपल वे में अगर 3 बैंक का कोई मर्जर करते हैं, यानी समझ लीजिए NPA का फिगर हम 10 पकड़ लेते हैं 2 बैंक का और 1 बैंक का 9 है, तो 3 बैंक का मिलाकर एवरेज करें तो 9.6 हो जाएगा। सो दिखने में क्या आ जाएगा कि NPA कम हो गया है। ये रिकवरी जो है कॉर्पोरेट्स को जो लोन दिया गया है ये रिकवर करना काफी मुश्किल है। इसमें एक केस देख ही रहे हम विजय माल्या की,
अभी कोर्ट है, उसके बाद केस चलेगा, बाद में रिकवरी कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच के या कैसे होगी, ये काफी लंबी प्रोसेस है, तो रिकवरी करना काफी मुश्किल है। मर्जर करने के साथ उनका एनपीए भी एवरेज हो जाएगा और टोटली एनपीए कम होता हुआ दिखाई देगा, फिगर सामने आ जाएगी कि एनपीए कम हो गया। तो ये गवर्नमेंट काफी कुछ करती है अपनी खामियां छुपाने के लिए, लेकिन ये एक तरह से सही भी है, मर्जर किया है, आरबीआई की तरफ से सरप्लस रिजर्व भी मिला है, अगर इसे सही तरह से यूज करे तो हो सकता है कि यहाँ से एक पीएसयू बैंक्स में बरकत देखने को मिले, अगर इसमें भी करप्शन का हाथ आ जाएगा तो यहाँ से आगे की जो चाल है वो और भी मुश्किल होती नजर आएगी। ये अभी के गवर्नमेंट का प्रोग्राम इस समय चल रहा है कि इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए। अभी कुछ दिनों पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनका एक इंटरव्यू आया, सामने एक स्क्रीन रखा था और वो पढ़कर उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे। तो उन्होंने उनके टाइम पे यानी 1991 में जब इससे भी बदतर हालत थे तभी क्या किया था, तो उसके ऊपर एक क्विकली नजर डालते हैं। तभी एक गवर्नमेंट ने स्टोरी चला दी थी, उसमें डायरेक्टर थे हमारे पीवी नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर, और इस समय उस स्टोरी का हीरो बना दिया था तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को। स्टोरी कैसे प्रेजेंट किया गया था आपके सामने कि इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बचा लिया, द मैन हु सेव्ड द इंडियन इकोनॉमी इन 1991। काफी बुरे हालात थे तभी इंडियन इकोनॉमी के, बैंक करप्शन क्लियर दिखाई दे रही थी, तभी गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए, डीवैल्यूएशन कर दिया यानी इंडियन रुपीस का डीवैल्यूएशन कर दिया ताकि बाहर की कंट्रीज इंडिया के साथ ट्रेड करे, रुपीस का डीवैल्यूएशन कर दिया, गोल्ड होल्डिंग्स यानी आरबीआई के पास जो गोल्ड था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रख दिया और वहां से कर्जा लिया। अभी गोल्ड होल्डिंग यानी कर्जे पे रखने के लिए गोल्ड, ये कोई इकोनॉमिस्ट का दिमाग होना जरूरी नहीं है, ये कॉमन मैन का भी यही सोच होता है, अगर हमारे घर में भी कोई क्राइसिस आ जाए तो हम भी पहले गोल्ड को ही गिरवी रखते हैं, तो इसके लिए ये बड़ा इकोनॉमिस्ट का दिमाग होने के लिए जरूरत नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी बाहर के मार्केट को अलाउ किया कि आपके प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में आके बेचे और हमें टैक्स दे, तो इससे क्या हुआ, इंडिया को यूजर बना दिया, मेकर बनाने के बजाय यहाँ पर इंडिया को यूजर बना दिया। तो मेकर बनाने का प्रोग्राम तो अभी चल रहा है मेक इन इंडिया, अगर वो फ्लॉप होता है या सक्सेस होता है वो दूर की बात है, लेकिन इंडिया को मेकर बनाने का एक ट्राई तो किया है। अभी रिवोक ट्रेड पॉलिसी 1947 के बाद 50 साल के बाद समझ में आया कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इम्पोर्ट कम होना चाहिए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन तभी सेबी को अलाउ किया कि स्टॉक एक्सचेंज का पूरा अथॉरिटी जो है वर्किंग्स है वो आप संभाले। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास भी लोन के लिए अप्लाई कर दिया ताकि यहाँ से अगर कुछ डिफॉल्टर हम लोग घोषित होते हैं तो वहां से भी हमें लोन मिल सकता है। तो ये क्या तरीका हुआ, ये स्टोरी प्रेजेंट कर दिया कि इंडियन इकोनॉमी को बचाया गया, लेकिन हालांकि ये सिंपल वे में देखे तो स्टैंडर्ड भीख मांगने का तरीका था। तो इस तरह से स्टोरी को गवर्नमेंट प्रेजेंट करता है कि उसके पब्लिक के सामने उसकी खामियां जो है वो हाइड की जाए। हालांकि अभी अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा, करप्शन ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हुआ तो काफी आगे जाके मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन होप कि ये गवर्नमेंट अभी और अच्छे डिसीजन ले और इंडियन इकोनॉमी को यहाँ से बूस्ट करने के लिए और यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव स्टेप्स लेते हुए हमें दिखाई दे। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यह बैंक निफ्टी का चार्ट, यहाँ पर हमने नेगेटिव डाइवर्जेंस को देखा। अभी यहाँ पर 20 EMA मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी का 20 EMA को ब्रेक कर दिया है। अभी प्रीवियस मंथ यानी ये जो अगस्त का मंथ है इसका अगर लो ब्रेक करता है 26,560 तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर आ सकता है। अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर ये जो इसने स्विंग, एक छोटा स्विंग लो पकड़ा है और पास्ट में इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस इस लेवल को फेस किया था, तो 26,758 के पास ही प्रीवियस वीक का, प्रीवियस मंथ का यहाँ पर लो आ रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है प्रीवियस मंथ का लो, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर ये जो नेक्स्ट स्विंग यहाँ पर बन रहा है लाइन चार्ट में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 25,000 के पास, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा बैंक निफ्टी में। साइकोलॉजिकल बैरियर भी है
तो ये 25,000 के बाद ये क्लियर कट 50 EMA की तरफ मूव हो करता हुआ नजर आएगा अगर 25,000 को ब्रेक करता है तो। यानी ये 2016 में इसने 50 EMA को टेस्ट किया था, उसके 3 साल के बाद अभी ये अगर 25,000 को ब्रेक करता है तो हमें ये नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर ये स्विंग लो जो बना है जहाँ पर पास्ट में इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 25,000 के पास, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक होता है तो। ये है मंथली चार्ट का सीनारियो। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो लास्ट 3 वीक से ये 100 EMA जो है जहाँ पर प्रीवियस टू अक्टूबर 2018 में एक सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था, अभी फिर से 100 EMA के पास ये बैंक निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो नीचे 26,850 का ये जो 100 EMA है ये स्ट्रांग सपोर्ट है, और ऊपर ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये 28,340 के पास है, ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम इसके हाई और लो को पकड़ के अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें तो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 27,793 यानी 27,800 का फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद ये ब्लू लाइन जो है ये यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है जो कि 28,340 के पास है। और अगर इसके नीचे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स चला जाए तो और जबरदस्त पैनिक मूव हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। यह वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। यह डेली चार्ट, डेली चार्ट में क्लियर कट स्ट्रक्चर जो है वो डाउन ट्रेंड का बन रहा है, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेजेस है शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है और इसके नीचे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर कब बनता है, जब ये असेंडिंग ऑर्डर्स में होते हैं और उसके ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है। तो अभी ये सपोर्ट जोन के पास है जहां पर इलेक्शन के पहले एक कंसोलिडेशन फेज हमने यहां पर देखा था, तो इसका लोअर बैंड जो है वो 26,500 के पास बन रहा है। तो 26,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में और भी पैनिक मूव हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी फिलहाल यहाँ पर ऊपर अगर मूव करना है इसे तो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस डेली चार्ट में ये 20 EMA का होगा जहाँ पर इसने कुछ दिनों पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, काफ़ी मुश्किल हुआ था इस 20 EMA को क्रॉस करना और यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेके टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव दिखाया था। तो फिर से अभी 20 EMA का फर्स्ट यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा एज पर डेली चार्ट 27,738 के पास है अभी ये फिलहाल। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आने वाले वीक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कहाँ हो सकते हैं। अगर आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे जैसे कि पास्ट वीडियो से कहते आ रहे हैं, अभी ये इन दो मूविंग एवरेजेस के बीच में है, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में ये कंसोलिडेट हो रहा है। नीचे RSI को देखें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पैटर्न बन सकता है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। अभी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये RSI में यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर ये हेड बन सकता है और अभी राइट शोल्डर बना नहीं है, वो बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है। कब, अगर नेक्स्ट वीक यहाँ पर अगर ये बुलिश कैंडलस्टिक बनता है, आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, और नेक्स्ट वीक अगर बुलिश कैंडलस्टिक बनता है तो यहाँ पर चांसेस है कि ये कंप्लीट हो जाए राइट शोल्डर और फिर इसका नेक लाइन बनेगा यहाँ पर, और ये नेक लाइन को अगर ब्रेक कर दिया तो ऊपर बैंक निफ्टी में यहाँ से अपसाइड मूव आना संभव होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा ही होगा कहा नहीं जा सकता। ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहे तो ऐसा पैटर्न बन सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी है। तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में कल इसने दोजी कैंडलस्टिक बनाया था, ऊपर में इसने टेल छोड़ दिया था। तो अभी अगर प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर ये जो लास्ट यहाँ से बाउंस बैक आया था कुछ दिनों पहले 10,700 के पास, तो यहाँ पर अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो नीचे में हमें 10,640 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और ऊपर रेजिस्टेंस है ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये अराउंड 11,000 के पास है, तो 11,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है।
चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आज के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है इंट्राडे में, ये आइडेंटिफाई करेंगे। अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो पहला तो इसे कल का लो ब्रेक करना होगा। लो ब्रेक करने के बाद तुरंत 10,808 का पिवट पॉइंट का इस वन का लेवल आ रहा है, तो इस लेवल को अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है 10,802 के लेवल को, तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा क्विकली एक फर्स्ट टारगेट होगा 10,784, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,766, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स निफ्टी नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो लास्ट 3 आवर्स, कल का जो लास्ट 3 आवर्स था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल के पास ये पेनेट्रेट हो रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो 10,861 का ये जो लेवल है ये 20 EMA के पास भी आ रहा है, तो इस लेवल के ऊपर यानी 10,861 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,875, ये एक छोटा क्विकली टारगेट होगा हमारा, और उसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट होगा ये 50 EMA का लाइन जो अराउंड 10,900 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये एनालिसिस, हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया और निफ्टी का भी एनालिसिस किया, अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।